तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो कि बेसिकली इसमें क्या है। ए मेटालिक वायर है जिसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। लेट अस सपोज दिस इज द मेटल वायर एंड दिस मेटल वायर करंट इज फ्लोइंग बेसिकली 2 एम्पियर। तो इसमें जो करंट है वो यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, और इसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है 3.5 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहे इस वायर के अक्रॉस, ठीक है, यहाँ से बैटरी कनेक्टेड। तो यहाँ से तुम देखोगे इस वायर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपन वी करेंट, ठीक है, यहाँ से वी इक्वल टू आई। तो वोल्टेज 3.4 और ये 2 एम्पियर, मतलब ये आ जाएगा 1.7 ओम इस वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म वायर, ए मास ऑफ यूनिफॉर्म वायर, हाँ द मास ऑफ वायर इतना है, डेंसिटी इतना है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ से मास भी दिया हुआ है, तो मास कितना है वायर का बोलो। तो मास है 8.92 × 10^-3 kg प्यारे बच्चों, और डेंसिटी यहाँ दिया हुआ है 8.92 × 10^3 kg/m³ यहाँ दिया हुआ है। और रेजिस्टिविटी भी, डेंसिटी को मैं एक्चुअली सिग्मा से लिख देता हूँ क्योंकि बार बार जो है यहाँ से एक ही वेरिएबल रो, तो यहाँ से मैं डेंसिटी सिग्मा ले देता हूँ। रेजिस्टिविटी रो 1.7 × 10^-8। तो यहाँ से हम सबको पता है रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो रो इक्वल टू एल अपन ए है। तो यहाँ से तुम देखोगे एल अपन ए, तो एल ए, तो एक काम करते हैं ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये बनेगा रो एल स्क्वायर, नीचे बनेगा एरिया क्रॉस सेक्शन लेंथ का वॉल्यूम। तो यहाँ से रो रेजिस्टिविटी एल स्क्वायर, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, तो वॉल्यूम की वैल्यू मास अपान डेंसिटी। तो यहाँ से तुम देखोगे तो वॉल्यूम की वैल्यू मास अपान डेंसिटी, यहाँ सिग्मा रखोगे तो रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ से हमें क्या चाहिए था भाई, हमें चाहिए था लेंथ, तो लेंथ की जो वैल्यू आ जाएगी, हाँ यहाँ से एल स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रो एम डिवाइडेड बाई सिग्मा रो ये। तो यहाँ से जब एल स्क्वायर की वैल्यू, सबकी वैल्यू डालो, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 1.7, मास कितना है 8.92 × 10^-3, डिवाइड कर दूं किससे, 8.92 × 10^3, और यहां से रो 1.7 × 10^-8। तो पूरा जब ये सॉल्व करोगे तो ये एल की, एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/10^-2, मतलब ये आ जाएगा 100। तो एल की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जो फाइनल सोल्यूशन है वो 10 मीटर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।